हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है हर एग्ज़ाम से संबंधित सही और सटीक जानकारी। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत सटीक जानकारी। तो आपको बता देना चाहेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है 2020 में, उसके लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी आपके लिए, उसका परिणाम बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ आप देख सकते हैं जो सिपाही भर्ती यानी कि पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली थी 8400 के लगभग जो आपके पद हैं उसके लिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है आज दिनांक 6 तारीख को। 6 जो आपके दिसंबर है उसको आपका परिणाम जारी किया गया है। आज का वीडियो है और आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अपना रिजल्ट इसमें देख सकते हैं, अपना रोल नंबर। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप दबा दीजिएगा अपने बेल बटन को और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक सटीक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे कि जो पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपके सामने लिखित परीक्षा का परीक्षा फल, इसमें दिया हुआ है 8415 रिक्तियों के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंत तक पूरा देखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2020 में यहाँ पर आपके लिए जो है वो विज्ञप्ति निकाली गई थी और दिनांक जो है वो 11/11/2020 को निकाली गई थी। इसके लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो 14/3/2020 रविवार को कुल 630,524 अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई और इसके अतिरिक्त 21/3/2021 रविवार को कुल 513,906 अभ्यर्थियों की यहां पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। लिखित परीक्षा में कुल 10,20,471 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कि जो यहां पर कई अभ्यर्थियों का अयोग्य घोषित किया गया था। उसके बाद में 10,19,933 अभ्यर्थी यहां बचे थे जिनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है। और यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपके जो पास किए गए हैं यहां पर गृह रक्षक एवं गैर गृह रक्षक सहित यहां पर मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट पैट के लिए मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार चयन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 5 गुना अभ्यर्थी यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं। जी हां दोस्तों, 5 गुना अभ्यर्थी यानी कि 8415 पद हैं उसके आप देख लीजिए 5 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं। तो आपका आई होप इसमें नाम हो, आपका इसमें रोल नंबर हो और आप इसमें सेलेक्ट हो, ऐसी कामना करता है द फ्यूचर एजुकेशन। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। चलिए हम आ जाते हैं अब अपने नीचे की जानकारी पर, आगे आपको दिखा देना चाहेंगे यहाँ पर जो आपके अगले चरण में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट यथा दौड़ है, गोला फेंक तथा ऊंची कूद आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। यहाँ पर जो आपके दिया गया है सिपाही के पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं दौड़ है, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आपका आगे सिलेक्शन इसके आधार पर होगा और इसमें आपको बता देना चाहेंगे, यहाँ नोट कीजिएगा, 4 नंबर का पॉइंट है, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह से प्रस्तावित है। प्रस्तावित है कि आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसका आयोजन जनवरी 2022 से किया जा सकता है। निर्धारित नहीं है लेकिन प्रस्तावित है, किया जा सकता है। इसके लिए आप जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट है उस पर लगातार विजिट करते रहें और यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके आधार पर जो अपडेट आती है सिर्फ वही आप मानिएगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट ही आपको सटीक जानकारी उपलब्ध करवाती है। द फ्यूचर एजुकेशन भी आपको सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाता है, तो चैनल पर आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बता देना चाहेंगे यहाँ पर जो आपके विवरण है भर्तियों का वो भी यहाँ पर सारा दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बताया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि सिपाही पद की सीधी भर्ती हेतु कुल उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम 50% पदों को बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से भरने का प्रावधान है, जिसका यहाँ विवरण दिया गया है। तो आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो आपके यहाँ पर रिजल्ट निकला है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके क्रमांक हैं उसके लिए हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे और
ये देख लीजिए आपके यहाँ पर ये क्रमांक आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट हेतु चयनित उम्मीदवारों का अनुक्रमांक निम्नवत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 30% प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी चयनित होंगे। उल्लेखनीय है कि गृह रक्षक कोटि के न्यूनतम अर्हतांक 30% प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी चयनित हुए। इसी प्रकार 30% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले सभी गोरखा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। गोरखा कोटि को छोड़ अन्य सभी कोटियों में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा का अनुक्रमांक ये रहा। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 5 गुना आपके सेलेक्ट हुए हैं, 8,415 पदों से 5 गुना अधिक सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर ऐसा दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो अब आप अपना चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना एक 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 देखने से अच्छा है, यहाँ आप देखेंगे इसको डाउनलोड करने के बाद में जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर, इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है, पीडीएफ में। तो यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल है, अब आप इसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ सर्च पर इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। इस बॉक्स पर जब आप क्लिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो क्रमांक दिए हुए हैं आपको सेलेक्ट अपना जो क्रमांक है वो यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मैंने किसी कैंडिडेट का यहाँ पर क्रमांक टाइप किया। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रमांक जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है वो यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब ये क्रमांक अपना आपका अपना जिसका भी है तो आप अपना ऐसे क्रमांक यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने क्रमांक के आधार पर चेक कर सकते हैं आपका रिज़ल्ट कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। द फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, आपका चयन हो और आप इसमें सफल हो और आगे आप अपने देश का नाम रोशन करें अवश्य। युवा वर्ग ही हिंदुस्तान का भविष्य है, हमारा भारत महान है। चलिए हम आगे आते हैं और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपके जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, आगे की जानकारी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेलेक्ट होने के बाद में ये जानकारी जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेजेस हैं, अच्छी मात्रा में यहाँ पर आपकी भर्ती निकली है और इसमें सेलेक्ट हुए हैं। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है आप सभी के लिए दोस्तों। तो आपको बता देना चाहेंगे लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रावधान एवं शर्तें जो है वो संख्या 5/2020 के अनुरूप होंगे। विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पैट का जो संबंध में सूचना है वो वेबसाइट पर माह जनवरी 2022 में प्रकाशित की जाएगी। और पैट जो है वो आपके वेबसाइट या नोट कर लीजिएगा, इस वेबसाइट यहाँ आपके दी हुई है इस नोटिस में, ऑफिशियल नोटिस में। तो इसके आधार पर आप जो ऑफिशियल जो साइट है सिर्फ उसी के आधार पर ही हर काम कीजिएगा। प्लीज़ आप इतना ज़रूर कीजिएगा, ऑफिशियल जो साइट दी हुई है प्लीज़ उसके आधार पर ही हर काम कीजिएगा। वहाँ जो नोटिस हो उसी को आप सटीक मानिएगा, उसी के आधार पर काम कीजिएगा। ये आप ऑफिशियल साइट से ये नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट का। अब यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे इसके लिए जो फिजिकल जो टेस्ट है उसमें निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आप कहीं ऐसा ना कीजिएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो प्लीज़ जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा। किसी भी स्थिति में अधिक विस्तार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। यहाँ पर आपके दिया हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने अपने मूल पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे। यहाँ पर आपके दी हुई है ये कौन कौन से हैं दस्तावेज, ये सभी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 5/2020 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा भर्ती संबंधी आयोजनों के अवसर पर सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विहित निर्देशांकों यथा मास्क धारण करना, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का कड़ाई से पालन करना होगा। और प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा, ये आपके नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि ये जो दिनांक है ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 6/12/2020 आज ही की दिनांक है, आज ये रिज़ल्ट आपका जारी किया गया है। और प्लीज़ जो ऑफिशियल साइट है उसी पर विश्वास कीजिए, उसी के आधार पर काम कीजिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैंने दिखा दिया है।
लीजिए और अपना रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया है क्या क्या शर्त, क्या क्या जो आपके किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, क्या ले जाना होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल इस नोटिफिकेशन में। और इसी के साथ मैंने आपको इसके संबंधित जानकारी दे दी है कि 8400 पदों के लिए जो रिक्ति निकली है उससे 5 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जाएंगे और कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको जानकारी उपलब्ध होती रहेगी सटीक जानकारी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। द फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।